हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, देखेंगे हम आपकी शादी किससे होगी और वो कौन होगा। ठीक है, आपकी मैरिज किससे होगी और वो कौन होगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। किससे होगी आपकी शादी और वो कौन होगा। लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपकी मैरिज किससे होगी और वो कौन होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे और देखिए कब होगी आपकी मैरिज। ठीक है, ओके, कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। एंड देन ये और ये, आप अपनी मैरिज का वेट कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अरसे से आप अपनी मैरिज का वेट कर रहे हैं। हाँ, कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया आपने अपना टाइम, अपना लव, अपने इमोशंस, कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई आपने अपनी लाइफ में, किसी किसी कनेक्शन में, किसी रिलेशन में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। बहुत ज़्यादा आपने कहीं अपने मतलब कि आपकी कोई आपका कोई पर्सन है जिस जो ड्रीम रहा है कि हाँ आपकी मैरिज होगी। हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप उस पर्सन के साथ कनेक्टेड नहीं है बेहद। आपने जहाँ भी अपना इन्वेस्ट किया था वहाँ एक पेनफुल सिचुएशन है। ठीक है, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा पेन, तकलीफ मिली है। आप उस पर्सन को अपना हायर लेवल ऑफ सोलमेट समझ रहे थे, या तो जो आपका एक काउंटर पार्ट, जिस तरीके से आप तो उस पर्सन को देख रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये आपका एक काउंटर पार्ट है, आपका पार्टनर बन सकता है, आपका पर्सन बन सकता है। ठीक है, आप इस तरीके से उस पर्सन को देख रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी कमिटमेंट, आपका सब कुछ उस पर्सन के साथ होगा। आप उसके साथ कनेक्टेड थे, आपने फील किया था कि आपका रिलेशनशिप बहुत दूर तक जाएगा इस पर्सन के साथ। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे एक आप जैसे एक रनर चेजर, ये पर्सन आपसे हमेशा दूर भागता रहा है। ठीक है, हमेशा दूर भागता रहा है। इस पर्सन ने आपको कभी जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया है, इस सिचुएशन में आपको जस्टिस नहीं मिला है। ठीक है, आप कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं, ब्लॉकिंग सिचुएशन है, आपको सिचुएशन समझ में नहीं आ रही। जिससे आपका ड्रीम था मैरिज करने का, जिससे आप चाहते थे शादी करना, कि आप उससे शादी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। आप इस पर्सन के साथ आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी, बाउंडिंग केमिस्ट्री आपको बहुत पसंद आती है। इतना सेटिस्फेक्शन आपको किसी और से नहीं मिलती जितना आपको इससे मिलती, लेकिन इतना हर्ट भी किसी और से नहीं मिला जितना इस पर्सन ने आपको हर्ट किया। थ्री ऑफ सोर्ड के साथ बहुत ज़्यादा आप तकलीफ में, एक पेन में, मैं एक पेन देख पा रही हूँ आपके अंदर। आपका हार्ट ब्रोकन है, बेहद हर्ट हैं आप। टूटे हुए दिल से अपनी सिचुएशन को आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तकलीफ, एक पेन देख सकती हूँ मैं। ये पर्सन मतलब कि आप, ये पर्सन आपसे हमेशा भागता है, हमेशा भागता है। इस पर्सन ने कभी आपके साथ जस्टिस नहीं किया। आप जो सब कुछ डिजर्व करते हैं वो पर्सन आपको दे नहीं सका। बहुत कंफ्यूज हैं आप, और ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस में है। ठीक है, इस पर्सन को पता है इसने क्या किया है। ये पर्सन जानता है कोई थर्ड पार्टी इस पर्सन ने आपको छोड़ के डील करी। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट लग रही है। इस पर्सन ने आपको छोड़ के किसी थर्ड पर्सन को चूज़ किया आपके ऊपर, जिसकी वजह से आप लोग की सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, काफ़ी एक लंबे तवील अरसे से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, और उस पर्सन के साथ आप किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, उस पर्सन से किसी कमिटमेंट ऑफर का वेट कर रहे हैं, उस पर्सन से आप मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, चाहे आपको कभी यहाँ पर कुछ इस पर्सन से बहुत ज़्यादा ऑफर मिला हो या ना मिला हो, कभी इसने आपसे मैरिज करने का कहा हो या ना कहा हो, लेकिन आपको एक स्पिरिचुअली लगता है कि ये पर्सन आपका काउंटर पार्ट है, एक ये आपका सोलमेट है, फ्यूचर में ये आपका स्पाउस है। ठीक है, इस पर्सन को देखकर। लेकिन आप लोग की सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक ब्लॉकिंग पॉइंट पर रहती है, आप लोग ब्लॉक रहते हैं, सेपरेशन ज़्यादा लगता है रहता है आप लोग के कनेक्शन में, एक सेपरेशन एनर्जी रहती है। ठीक है, ये पर्सन फिलहाल इस वक्त बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक है। ये किसी किसी अपनी ज़िंदगी में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। ये जहाँ गया था वहाँ भी कोई खुश मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्लैरिफाई फाइव ऑफ सोर्ड, ये पर्सन क्यों इतना स्टकनेस और परेशानी का शिकार है।
क्लैरिफाई फाइव ऑफ सूट, ये पर्सन जानता है इस पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया, आपको बेहद कन्फ्यूज़ करके रखा है इस पर्सन ने, आपको क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, क्लैरिफाई फाइव ऑफ सूट, ये पर्सन क्यों इतना स्ट्रक है, क्यों इतना परेशान है, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, ये आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, आप बेहद कन्फ्यूज़ हैं, ब्लॉकिंग सिचुएशन में आपकी आंखों के सामने अंधेरा है, आपको नहीं पता आगे क्या करना चाहिए और आपको अंदाज़ा भी नहीं आगे क्या हो सकता है, ठीक है, कभी आपको लगता है आपको यहाँ से मूव ऑन कर जाना चाहिए, जैसे आप इस पर्सन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर आप ज़्यादातर नेगेटिविटी में, आप नेगेटिविटी का शिकार हैं, क्लैरिफाई फाइव ऑफ सूट, ये पर्सन क्या सोच रहा है, ये पर्सन लोगों की बातों में बहुत आया आपको लेकर, क्लैरिफाई फाइव ऑफ सूट, क्लैरिफाई फाइव ऑफ सूट, क्लैरिफाई फाइव ऑफ सूट, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आप इस सिचुएशन को एंड कर रहे हैं अपनी तरफ से, आपने बेहद एफर्ट डाली, आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, जैसे पहले इस पर्सन के हाथ में थी सिचुएशन, ये चाहे वो, ये जो चाहे ये वो कर सकता था आपके साथ, इस सिचुएशन में ये अपने तरीके से आपके साथ चल सकता था, ये जो 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 इसकी चाहत थी, जो इसकी चीज़ें थी, ये कर सकता था, सक्सेस इसकी थी पहले इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल था, मतलब कि आप इस पर्सन के कंट्रोल में थे, आप बहुत ज़्यादा सुनते थे, अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप जैसे अब आप इसके कंट्रोल से बाहर हैं, ये पर्सन देख रहा है आपको, आप इसके कंट्रोल से बाहर हैं, ये सिचुएशन आप अपनी तरफ से, टेन ऑफ सोर्ड की तरफ से, मतलब कि एंड कर रहे हैं, आपने इस सिचुएशन से मुंह मोड़ लिया है, ठीक है, मेरे ख्याल से ये पर्सन समझ नहीं पा रहा था, ये पर्सन आपसे लव करता है या आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, या मतलब कि इसने कभी भी आपके लिए हमेशा क्लियर नहीं हुआ, ये कभी, ये आपके लिए बेहद कंफ्यूज रहा, क्लैरिफाई एस ऑफ सूट, इसके पास आपके अलावा ऑप्शन हो सकते हैं, आपके जाने के बाद इस पर्सन को आपके लिए क्लैरिटी मिल रही है, क्या क्लैरिटी मिली है, प्लीज एंड स्पीड गाइड, क्या क्लैरिटी मिली आपके पार्टनर को, ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाह रहा है, इस पर्सन को आपके जाने के बाद क्लैरिटी मिली है, आपके साथ कमिटमेंट चाहता है, आपके साथ मैरिज चाहता है, जब आपने यहाँ से वॉक अवे सीन कर लिया, जब आपने सिचुएशन को एंड कर दिया, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो आपके सामने है, मतलब कि व्हील चेंज हो चुका है, व्हील आपके फेवर में है इस वक्त, ठीक है, इसकी इसकी सारी नेगेटिविटी आपके सामने है, जो ये आपको कर रहा था आपके साथ मैनिपुलेशन, सब आपके सामने, क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, बिल्कुल आप अपनी पावर में, आप एक स्ट्रेंथ में नजर आ रहे हैं, आप ये लाइफ में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर जब इस पर्सन को जब एहसास हुआ है कि ये आपको चाहता है, इसके दिल में आपके लिए एक प्योर और एक ऑनेस्ट लव है, ये आपको पसंद करता है हमेशा, इसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा, जैसे कि ये एक्सेप्ट कर रहा है, अभी एक एक्सेप्टेंस आई है कि आपको ये चाहता है, इसकी लाइफ में आपकी वैल्यू क्या है, ये इस वक्त एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, आपके जाने के बाद टोटली इस कनेक्शन को कट ऑफ, एनर्जेटिकली भी आप लोग के कॉर्ड कट हो चुके हैं, आप लोग की सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है, एनर्जेटिकली भी आप लोग एक दूसरे को, जैसे आप इमोशन, आपके पास इस पर्सन के लिए इमोशंस कम हो चुके हैं, आप बेहद इमोशनल थे, आप अपना बेस्ट देते थे इस पर्सन को, इस कनेक्शन को, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट की, बहुत अपना टाइम सब कुछ दिया इस कनेक्शन में बैलेंस लाने के लिए, इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया जहाँ पर कुछ बना भी नहीं, ठीक है, ये पर्सन जानता है आप एक स्टेबल और कमिटेड पर्सन की तरह है, ठीक है, टू ऑफ कप्स आपके साथ, ये टू ऑफ कप्स एक केमिस्ट्री भी फील करता है आपके साथ, अट्रैक्शन भी फील करता है, लेकिन फिर भी इसने पता नहीं क्यों आपको छोड़ के किसी और को चूज़ करा, वहाँ से कुछ भी नहीं है, वहाँ सब कुछ ठीक है, चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, आप पर आपकी इंट्यूशन आपको इस सिचुएशन से वॉक अवे करने का कह रही है, इस सिचुएशन से निकलने का कह रही है, क्लैरिफाई फाइव ऑफ सूट, बिल्कुल ये पर्सन सरेंडर कर चुका है, मतलब कि ये लव इस वक्त आपके लिए एक्सेप्ट कर रहा है, सरेंडर कर चुका है, रियलाइजेशन है कि आप इसका ट्रू लव हैं, आप इसके एक सोल काउंटर पार्ट है, इस पर्सन को अब अंदाज़ा हो रहा है जब ये सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, ये वो पर्सन आपके लिए मैरिज और कमिटमेंट का फील कर रहा है इस वक्त, ये पर्सन चाह रहा है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना, जिस पर्सन की वजह से आप बेहद हर्ट रहे हैं, जिसको आपने बहुत ज़्यादा चेज किया है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक परेशानियों से गुजर रहे थे, आपको नहीं पता था कि सिचुएशन क्या किस तरीके का रुख लेगी, ये पर्सन बेहद डिफेंसिव था, आपको समझने सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप हमेशा अपनी मतलब की बात करते हैं, आप अपने फ़ायदे की बात करते हैं, या आप सिर्फ इसको उस तरीके से गाइड करते हैं, आप मतलब कि आप इसको मैनिपुलेट करते हैं, कुछ एंड हुआ है आप लोग के बीच, कोई एक साइकिल ख़त्म हुआ है, एक वेटिंग पीरियड, आपने खुद को एक वेटिंग एनर्जी से बाहर निकाला है, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, क्योंकि आपके साथ वो बैलेंस नहीं हुआ जो आप डिजर्व करते थे, इवन कि इतना भी नहीं हुआ जितना आपने इस पर्सन को दिया, इसने इतनी भी एफर्ट नहीं दी बदले में कि आपके साथ बैलेंस कर सकता, आपके यहाँ पर इमोशंस कोल्ड लग रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, रूड हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ, एक बहुत ज़्यादा जैसे अब पास्ट की तरह कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है, अब ये पास्ट चाह रहा है, पास्ट वाली चीज़ें चाह रहा है, लेकिन अब पास्ट की तरह कुछ भी नहीं रहा, ठीक है, वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है और आप बिल्कुल चेंज हो गए, क्योंकि आपको सामने से वो मिला नहीं, इसलिए आपको आप अंदर से चेंज हो गए,
एक रियलिटी चेक आपको मिल रहा है अपने अंदर से, या इस पर्सन को भी समझ में आया है कि इसने आपके साथ सही नहीं करा है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, परेशान है, अपनी लाइफ में डिस्टर्ब, किसी डिस्टर्ब सिचुएशन का शिकार है। क्लारिफाई थ्री ऑफ सूट। हाँ, आपको कोई यहाँ पर स्टेबल ऑफर मिल सकता है जिस वजह से आप एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में रहे हैं, आपके स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीपली इन डेप्थ आप हर्ट हैं, ठीक है, आप इन डेप्थ, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, आपको ट्रस्ट नहीं हो पाता, ठीक है, आप न्यू बिगनिंग तो कर लें अपनी लाइफ में, लेकिन यहाँ पर कोई है जो आपको स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है, यही पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। टू ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको अपने सोलमेट की तरह देख रहा है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री फील कर रहा है, आपके साथ एक कम्युनिकेशन करना चाहता है, एक बैलेंस कम्युनिकेशन, सक्सेसफुल इस रिश्ते को बनाना चाहता है, लेकिन पास इसका बहुत बुरा है, इस कनेक्शन का आप जानते हैं, इसने पास में आपको चूज ना करके किसी और को चूज करा है, इसने आपके ऊपर किसी और को प्रायोरिटी दी है, इसकी लाइफ में आपकी वैल्यू कुछ नहीं थी, अब आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपको ये भी लग सकता है कि आपकी सक्सेस की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है या आपकी तरफ अप्रोच ले रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन जानता है इसने आपको छोड़कर किसी और को चूज करा, आप बहुत ज्यादा डिफरेंट, आप दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट पर्सनैलिटी है, शायद इसने इस वजह से किसी और को चूज करा जो इसको, जो इसकी वाइब्रेशन में मैच करता पर्सन, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर एक सिंसियर पर्सन थे, इसने जो चूज करा वो सच में इसी की तरह था, ठीक है, जो भी इसने चूज करा जाकर वो इसी की तरह था, मतलब परस इंसान था, ठीक है, इसने भी एक मतलब आपके साथ, आपको ऐसा लगा इस पर्सन ने बहुत ज्यादा जब आपको इसकी जरूरत थी बहुत ज्यादा कोल्ड डिटैच था, बहुत ज्यादा कोल्ड और डिटैच था, एक नेगेटिविटी की एनर्जी में था, अपने पेंटिकल्स को बहुत ज्यादा फोकस दे रहा था, अपना काम इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसकी लाइफ में अपना बैलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आप किस कैफियत से गुजर रहे हैं इस चीज़ की इसको परवाह नहीं थी, लेकिन अब ये आपके लिए लव फील कर रहा है, अब ये एक्सेप्टेंस की पोजिशन में बहुत कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर रहा है, आपके जो एक लव था वो एक्सेप्ट कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, पहले बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहा था इस लव को, भाग रहा था इस कनेक्शन से, इस फीलिंग से, ये आपके, आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, अब जो ये रेजिस्टेंस इसने करी है इसको समझ में आ रहा है, अब इसने सरेंडर कर दिया, ठीक है, अब इसने आपको रेजिस्ट करके देख लिया, ये और आपकी तरफ, इसका दिल आपकी तरफ, और जैसे और एक जो हम जब किसी चीज को दूर करते हैं तो वो और दोबारा जब वो आती है तो और पावर से आती है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जितना ही आपको दूर करता है उतना आप इस पर्सन के दिल के करीब होते जाते हैं, ठीक है, तो अब इस बात को उसको समझ में आ रही है, इसने एक सरेंडर करा है, इस पॉइंट पर आके इसने सरेंडर करा है, ये अब अपने दिल से एक्सेप्ट कर रहा है, और उसके बाद फिर ये डिवाइन को कह रहा है अब चीज़ें जो भी होती हैं अब होने दो, मतलब कि एक सरेंडर वाली एनर्जी है। हेरोफेंट, विजडम गेन हो रहा है इस पर्सन को, इस करेक्शन के लिए बहुत सी चीज़ें समझ में आ रही हैं, एक विजडम इसको समझ में आ रहा है, जब ये एंडिंग के बाद इसको इस कनेक्शन में लग रहा है कि स्टेबिलिटी आ सकती थी, इधर एक कमिटमेंट आ सकती थी, इधर एक स्टेबल सिचुएशन बन सकती थी, इस सब चीज़ों को ख़त्म करने के बाद, एंड करने के बाद इसको अंदाज़ा हो रहा है यहाँ पर कुछ स्टेबल कमिटमेंट और चीज़ें क्लियर हो सकती थी, कि स्टेबिलिटी आ सकती थी, ठीक है, जब सब कुछ एंड हो चुका है, जब सब किसी चीज़ का वजूद नहीं रहा है, तब यहाँ पर ये स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस होने के बारे में सोच रहा है। क्लैरिफाई जस्टिस, नाइट ऑफ रैंक्स, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि डिवाइन जस्टिस हो रहा है यहाँ पर, इस पर्सन ने उस वक्त एक्सेप्ट नहीं करा, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल देखा था, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल और वो पेज क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गया, ठीक है, मतलब कि आप दोनों, ये पर्सन अब आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में है, जब आप यहाँ पर अपनी लाइफ में कहीं और फोकस हो चुके हैं, अब आप बहुत ज़्यादा जैसे एक स्टॉकिंग की एनर्जी, पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है या आपको देख रहा है, आप अपनी लाइफ में बिगनिंग्स कर रहे हैं, लोगों के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, आपने अपना जैसे ऑरा थोड़ा सा अब आप खुद को ओपन अप कर रहे हैं लोगों के लिए, अपने ऑप्शंस के लिए, ठीक है, जब इस पर्सन को एक जैसे आप अब जैसे केयर फ्री हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ से, जैसे आपकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है, जो भी आपके सामने आया आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, क्या मेरे व्यूवर की मैरिज इसी पर्सन से होनी, प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर की मैरिज इन फ्यूचर इसी पर्सन से होनी, ये मेरे व्यूवर के क्या काउंटर पार्ट है, प्लीज माइंड एंड स्पीड गाइड, लेट्स सी हम देखते हैं क्या ये आपके काउंटर पार्ट है इन फ्यूचर, क्या आपकी मैरिज इस पर्सन से होनी है। फूल, टेम्परेंस, सेवन ऑफ सोड, इस पर्सन को लग रहा है इसने आपसे
आपसे दूर भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी, यहाँ पर किसी और को चूज करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब आप मुझे इसको इस पर्सन को रेजिस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहेगा, फूल यहाँ पे एक रिस्क टेकिंग लेना चाहेगा, आपकी तरफ बढ़ना चाहेगा, लेकिन आप मुझे एक डिफेंसिव एनर्जी में लग रहे हैं। ये पर्सन अकेला है, आपको मिस कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, ये पर्सन बेहद अकेलापन महसूस कर रहा है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, ये पर्सन आपके लिए नहीं बना। आपको अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी, आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्लियर होना पड़ेगा। आप कब तक इस पर्सन के लिए बैठे रहेंगे, आप पर्सन का सोचेंगे, पर्सन अकेला हो चुका है लेकिन ये आपकी रेजिस्टेंस को महसूस कर सकता है। ठीक है, लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, आपके साथ एक बैलेंस बनाना चाहता है, लेकिन इस पर्सन को पता है ये इस कनेक्शन से भागता रहा है, इसने बहुत भागा इस कनेक्शन से, अब इसको नहीं पता नेक्स्ट क्या होगा। टावर, यहाँ पे एक टावर की एनर्जी, यहाँ पे कुछ सडन आपके आपके रिलेशनशिप में, सडन इस कनेक्शन में कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, कुछ यहाँ पर सडनली आपकी लाइफ में हो सकता है। बहुत ज्यादा फीलिंग ऑफ लॉस से गुजरे हैं आप इस कनेक्शन में, आपको कोई कमिटमेंट ऑफर मिल सकता है इस पर्सन के साथ, ठीक है, आपको डायरेक्ट कुछ कमिटमेंट के लिए दे दे। बहुत ज्यादा मेंटली स्टकनेस है इस पर्सन के पास, आपके ना होने की वजह से किसी स्टकनेस से गुजर रहा है। ये पर्सन आपको कहीं जाने नहीं देना चाहता, होल्ड बैक करके रखना चाहता है, ये चाहता है आप दोनों एक साथ टीम वर्क करें। ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाने का सोच रहा है, आपके साथ आगे बढ़ने का सोच रहा है, आपके ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज का शिकार है ये पर्सन, इसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करे। आप लोगों के बीच अगर कम्युनिकेशन नहीं, तो ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है। ठीक है, ये चाह रहा है आपके साथ कम्युनिकेशन हो, और यहाँ पे ये मैनिफेस्ट कर रहा है, इस यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन चल रही है, मैरिज तो ये पर्सन चाहता है। ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर में आपको इस पर्सन से कुछ क्लैरिटी मिलेगी मैरिज को लेकर, एक कमिटमेंट को लेकर, एक कमिटमेंट कमिटमेंट के टॉपिक को लेकर। बिल्कुल यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए क्लियर कट हो रहा है कि इसको आपके साथ कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, एक ऑफर चाहिए, एक ऑब्सेसिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ठीक है, ऑब्सेसिवली आपसे एक बिगनिंग करना चाहता है, न्यू आपके साथ एक, ये आपका फ्यूचर स्पाउस है। ठीक है, ये आपका फ्यूचर काउंटर पार्ट है, या आपके साथ मैरिज कमिटमेंट, आपके साथ बिगनिंग्स करना चाहता है, बस यहाँ पर एक ये बात है, ये पर्सन स्टेप नहीं ले पा रहा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ये पर्सन स्टेप कब लेगा आपकी तरफ। इसको रियलाइजेशन है, ये आपके साथ बिगनिंग्स करना चाहता है, ये नहीं चाहता आप किसी और की लाइफ में जाएं, आप किसी और के साथ कनेक्ट हों। चीज़ें जब इसके सामने क्लियर हुई हैं, जब चीज़ें ये कम्प्लीटली एंड हो चुकी हैं, आप यहाँ पर जैसे राजी ही नहीं थे इस पर्सन को छोड़ने के लिए, जैसे यहाँ पर एक ऐसा हुआ है, जैसे इम्पॉसिबल सी चीज़ एक पॉसिबल हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा कमिटेड थे, आप ये कुछ भी कर ले आपके साथ, आप चाहते थे इसके साथ आपकी मैरिज हो, जैसे आप एक जिद पे थे अपनी, लेकिन जैसे ही आपने अपनी जिद छोड़ी है, वैसे ही इस पर्सन को समझ में आया ये पर्सन आपको चाहता है। जैसे ही आपने वॉक अवे करा है मूव ऑन करने के लिए, वैसे ही इस पर्सन को समझ में आ रहा है आप और इसकी लाइफ एक हो सकती है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। क्या मेरे व्यूवर की मैरिज इस पर्सन से होने वाली है, और टाइम पीरियड देखेंगे पर्सन एक्शन कब तक लेगा मैरिज के लिए। आपकी मैरिज क्या इस पर्सन से होगी, मेरे व्यूवर की मैरिज इस पर्सन से होगी, प्लीज माय अंडरस्टैंड स्पीड गाइड प्लीज गाइड कीजिए। ओके, एस ऑफ सोर्ड, इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी में आपके जाने के बाद, एट ऑफ कप्स, जब ये आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर गए हैं, तब यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली फील कर रहा है, आपके साथ कमिटेड, आपके साथ आना चाहता है, होप है इस पर्सन को इस सिचुएशन में कुछ बेहतरी आएगी। अकेला है, साइलेंट है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा अकेला, एक लोनलीनेस की एनर्जी है, इसको अकेले होने का एहसास है। आपके चले जाने के बाद इसकी लाइफ में कौन रह गया, इस चीज़ का इसको एहसास हो रहा है, इस चीज़ की इसको क्लैरिटी मिल रही है, आप नहीं है तो कौन है इसकी ज़िंदगी में। एक डेथ, एक रीबर्थ चाहता है इस कनेक्शन की, जब एंडिंग आई है उसके बाद ये आपके साथ एक स्टार्ट चाहता है। एम्परर के साथ बहुत ज़्यादा ये एक अपनी ईगो में है, इसका इसको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, ये आपके लिए कभी फ्लैक्सीबल नहीं हुआ, इसको फ्लैक्सीबल होना पड़ेगा। ठीक है, आप हार्ट ब्रोकन होने की वजह से वॉक अवे कर रहे हैं, बेहद हर्ट हैं आप, आपको इसने अंदर से तोड़ दिया है, जैसे आपको एक नया इंसान बनने पे मजबूर कर दिया, इसने इतना तोड़ा है आपको, इतना हर्ट किया कि इसने आपको एक नया इंसान बनने पे मजबूर कर दिया है। यहाँ पर एक जस्टिस देना चाहता है आपको, इसको पता है आप बेहद हर्ट है, इसकी वजह से ये आपको अपनी जगह रख कर सोच रहा है ये होता तो ये क्या फील करता। ठीक है, आपको कोई मैसेज टेक्स्ट रिसीव हो सकता है, ये पर्सन बहुत अकेला है, आपके साथ कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहा है, बहुत कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है इसको क्या देना, इसको किस तरीके से आपसे
से बात करनी है, किस तरीके से यहाँ कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये आपको एनर्जेटिकली अपनी तरफ बुला रहा है, ठीक है। एक अपनी तरफ इसकी एक पुकार है जो आपको सुनाई नहीं दे रही क्योंकि आप कॉर्ड कट कर चुके हैं। ये इमोशनली बहुत एनर्जेटिकली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको अपनी तरफ बुला रहा है, ठीक है। किसी भी तरीके से ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहता है, ये नहीं चाहता आप इसकी लाइफ से जाएं। इसको पता है अब आप गए तो आप किसी और को ऑफ़र दे देंगे, और किसी और को ऑफ़र दे दी तो आप उसके साथ लॉयल और ऑनेस्ट हो जाएंगे, आप इसको कम्प्लीटली छोड़ देंगे। अब आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं तो आपने ज़रूर आगे ही बढ़ना है इसको छोड़कर, ठीक है। ये बात इसके समझ में आ चुकी है। अगर ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है तो इसको बदलना पड़ेगा खुद को। इसके साथ आपका फ्यूचर है, ये होप कर रहा है, यहाँ पर इसको स्टेप लेना है। क्या ये नेक्स्ट स्टेप लेगा आपकी तरफ? प्लीज एंडिसन स्पीड गाइड, क्या ये पर्सन मेरी व्यूअर की तरफ कोई स्टेप लेगा? बिल्कुल, ये न्यू बिगनिंग करने के लिए आपकी तरफ कोई स्टेप लेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डन सम सिचुएशन में है जो ये फील कर रहा है, जो इसको एक ऑब्सेशन हो रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है ये पर्सन। जितना साइलेंट हुआ हुआ है ना यहाँ पर, बिल्कुल ये सोशल मीडिया से भी आउट होने वाला है, या तो हो चुका होगा अब तक, ठीक है। बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ है, कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है। मैनिफेस्टेशन की मैनिफेस्टेशन चल रही है, डिवाइन से प्रेयर चल रही है, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है पर्सन। बिल्कुल सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है। टू ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, ये आपके साथ चाहता है। टू ऑफ कप्स आगे बढ़ना चाहता है, चाहता है ये रिश्ता आगे की तरफ बढ़े, ठीक है। अब इस रिश्ते में कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहता है। ये आपको नहीं चाहता, आपको खोना नहीं चाहता, आप खोने से डर रहा है। जब आप इसकी लाइफ से जा चुके हैं तब खोने से डर रहा है। बहुत अट्रैक्टिव है इस पर्सन को, ऐसा लग रहा है इर्द गिर्द के लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपकी अगर इस पर्सन ने आपको कुछ अप्रोच नहीं करा, इस पर्सन ने आपके साथ बैलेंस नहीं बनाया, या आपके सामने ये कुछ प्रपोजल लेकर नहीं आया, तो आप आगे बढ़ रहे हैं, आप किसी और को कमिटमेंट दे देंगे, किसी और के साथ आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आप इस पर्सन का वेट नहीं करेंगे, ये आपका वेट कर रहा था कि आप इस पर्सन को मैसेज करें, टेक्स्ट करें, आप इसके साथ कनेक्शन बनाएं, ठीक है। वर्ल्ड आप आपकी लाइफ में कोई न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, आपकी ज़िंदगी में किसी स्टकनेस से बाहर निकल चुके हैं। ये पर्सन देख रहा है कि अब आप इससे बिल्कुल एक सडनली आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त चेंज देख पा रहा है ये पर्सन। आप अपनी लाइफ में पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप एक स्टकनेस वाली सिचुएशन से निकल रहे हैं। पर्सन कब तक आपको कोई मैसेज करेगा, टेक्स्ट करेगा? 5 डेज लग सकते हैं इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन, किसी मेंटली स्टकनेस से बाहर निकलना चाहता है। 10 डेज लग सकते हैं, ये आप लोग के बीच का मैस क्लियर करना चाहता है, बिल्कुल स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है। 8 डेज लग सकते हैं, ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। ये आपको एक अपनी पावर में देख रहा है, इसको पता है अब आप नहीं आएंगे इसकी तरफ। बहुत ज़्यादा विजडम, आपको विजडम वाला पर्सन देख रहा है। आपने एक बिगनिंग, आपको हील करना चाहता है, खुद भी हील होना चाहता है आपसे। इस पर्सन को पता है आप हर्ट हैं, बेहद हर्ट हैं, क्योंकि इस पर्सन ने, ये कन्फ्यूज है, इस पर्सन ने कन्फ्यूजन में आके आपको बेहद हर्ट कर दिया, ठीक है। आपके बिना खुश नहीं है, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये डोर ये खुद ओपन कर सकता है, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है। फीलिंग ऑफ लॉस इसकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा किसी लॉस से गुजर रहा है, नेगेटिविटी से गुजर रहा है। इसके पास ऑप्शन है लेकिन आपके अलावा किसी और को चूज़ नहीं कर रहा, सरेंडर कर दिया है, एक्सेप्ट कर रहा है डिवाइन के सामने कितना आपको प्यार करता है, आपके साथ कितना लगता है। कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन होने वाली है, क्लियर कट कोई कम्युनिकेशन आप लोग के बीच होने वाली है, कोई क्लैरिटी यहाँ पर। अब इस रिलेशनशिप में एक्सपेंशन होगा, ठीक है। इसको कन्फ्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा, इस पर्सन को पता है इसको आपकी तरफ आना पड़ेगा। ये आपको सब क्लैरिटी देगा, कैसे थर्ड पार्टी क्रिएट हुई, जो भी हुआ ये सब बताएगा। अब आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, इस पर्सन को पता है आप एक इमोशनल पार्टनर हैं। देखिए क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये कितना शफल हुआ है लेकिन फिर भी दोनों काउंटर पार्ट एक साथ आए, ठीक है। ये कोल्ड डिटैच पर्सन अपने इमोशंस आपको एक्सप्लेन करने वाला है, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को पता है आप इसको मिरर कर रहे हैं। देखिए कैसे काउंटर पार्ट एक साथ आ रहे हैं, आप दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया। बहुत कोल और डिटैच एनर्जी है, ये पर्सन अपने इमोशंस आपको बोलने जा रहा है, ठीक है। अपने इमोशंस का एक्सप्रेशन देगा आपको, कभी इसने नहीं बताया। यहाँ पे है फोर ऑफ वैंड्स, एक मैरिज कमिटमेंट स्टेबिलिटी आपको इस पर्सन से मिलने वाली है। स्लोली बट श्योरली आपको इस पर्सन से कमिटमेंट मिलेगी, मैरिज मिलेगी, ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन करेगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, डिटैच है, रूड पर्सन है, बहुत ज़्यादा रूड पर्सनालिटी है इस पर्सन की। ये कभी भी कम्युनिकेशन स्मूथली आपके साथ नहीं करता, बहुत ज़्यादा जैसे अपना अंदर का अपना आप नहीं रखता, थोड़ा सा इसको लगता है कि इसको मिसयूज़ किया जाएगा, इसकी फीलिंग्स अगर किसी ने जान ली तो ये वीक हो जाएगा। अब अपनी वीकनेस ये आपको देगा, अपना लव एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। आपको मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए, प्लीज सेंशन स्पीड गाइड, इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए? जितनी भी नेगेटिविटी थी आपके कनेक्शन की वो सब एंड हो चुकी है, ठीक है। स्ट्रॉम, एक स्ट्रॉम से बाहर निकल रहे हैं आप अपनी लाइफ के। कोई स्ट्रॉम आया था, कोई टावर मोमेंट आया था, आप उससे बाहर निकल रहे हैं। कम होम योर सेल्फ, अपनी सेल्फ की तरफ वापस आ जाए। आपने अपनी सेल्फ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया था, ठीक है। अपनी सेल्फ के पास वापस आ जाए, स्टैंड अप योर सेल्फ, ठीक है। अपने अपने सेल्फ के लिए स्टैंड लेना सीखें,
जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। रिलीज़ योर गिल्ट, अगर आपके अंदर कोई गिल्ट है उसको रिलीज़ करें, जो हुआ वो होना था, आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। इट कम्स विद टाइम एंड पेशेंस, ठीक है। चीज़ें क्लियर होंगी टाइम के साथ साथ, पेशेंस रखें, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। हैव वी टुगेदर, हैव वेव टुगेदर द क्राउन योर डिज़र्व, ठीक है। आप क्राउन डिज़र्व करते हैं, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, लोगों के साथ आप कनेक्शन को बनाएं, ठीक है। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, बहरहाल आपको फिलहाल के लिए इस सिचुएशन से दूर रहना चाहिए। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, यू कैन बी योर ओन किंगडम, आपका खुद एक किंगडम है, आप उसको इंजॉय करें। टेक कंट्रोल योर ओन ओन सिचुएशन, ठीक है। आपको अपनी सिचुएशन का खुद कंट्रोल लेना है। यहाँ पर लास्ट कार्ड है, यू कैन ऑलवेज री राइट योर स्टोरी, आपके पास हमेशा ये ताकत होती है आप अपनी स्टोरी रीराइट कर सकें। वक्त नहीं गुजरा है, वक्त नहीं गया है, आप अपनी स्टोरी रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपको मैरिज करना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट, आप लोग के काउंटर पार्ट निकले, आप दोनों इस वक्त फिलहाल एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ठीक है। आप एक मिररिंग एनर्जी में, ये पर्सन अब आपके साथ एक सोल यूनिट मुझे नज़र आ रहा है, अब आपको एक सोल टू सोल समझ पा रहा है, ठीक है। इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है सब इसके साथ होता तो इसकी क्या फीलिंग्स होती हैं, खुद को आपकी सिचुएशन में रख कर सोच रहा है, पास्ट में ऐसा नहीं करता था, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।